अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी जनाब, आज हम जा रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर जो कि है इस्लामाबाद में। हमारी आज एक कज़न है, उन्होंने दावत की हुई है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। तो चलें, मिलते हैं आपको। फिर वहाँ पहुँच कर ये अब हम ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ पे, लोकेशन तो गूगल पर डाली हुई थी, बट ये अब हम पहुँच चुके हैं रॉक सॉल्ट एंड पेपर के बाहर। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं अब। जनाब, ये आ गई सॉल्ट एंड पेपर की पार्किंग। तो यहाँ अब हम गाड़ी खड़ी करते हैं। चलो, गाड़ी हमने पार्क कर दी और अब हम चलते हैं अंदर, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये रही इसकी एंट्रेंस, और बाकी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि आगे इनका मेन्यू कैसा था, और फिर मैं आपको रिव्यू भी देती हूँ इस पर। तो जनाब, ये रही इनकी मटन कढ़ाई, और इट वाज गुड। मुझे तो टेस्ट अच्छा लगा इसका भी, बट उससे ज़्यादा अच्छे थे इनके ये सीख कबाब, और इसके साथ था फ्राइड राइस, और इसमें चिकन का सालन भी था, और विद दैट इनके सैलड भी इसी में थे। तो इट वाज मोर गुड इन टेस्ट। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दिस ऑल वी आर डन विद आवर डिनर। तो मैं थैंक यू भी करूँगी जिन्होंने हमें डिनर कराया। प्लीज़ हमारी वीडियो भी देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिनर। और बाकियों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें सॉल्ट एंड पेपर, और हमें फिर रिव्यू भी दें। जनाब, डिनर हो और मीठा ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने फिर इनका ट्राइफल भी ट्राई किया। लेट मी शो यू द ट्राइफल, इट वॉज गुड इन टेस्ट। और मैं फुली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को सॉल्ट एंड पेपर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं, वी आर डन विद आवर डिनर, और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।